हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के लिए, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में हर हाल में ये क्वेश्चन आता ही आता है। कौन सा क्वेश्चन है और क्या इसका जवाब है, सारी कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। जैसे माई स्कूल पर आप जो भी डेटाबेस क्रिएट करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है और यहाँ पे स्टूडेंट डी नाम का डेटाबेस है, उसको यूज किया है क्रिएट करने के बाद, और यहाँ पर एक टेबल बना रही है स्टूडेंट टी के नाम से, तो यानी टेबल का नाम और डेटाबेस का नाम याद रखिए। देखिए डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट डी, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टी, दोनों को याद रखिएगा। और यहाँ पर ये डेटा इसमें फेच करा लिया है। अब देखिए ये डेटा दिखेगा कैसे, मैं यहाँ पर सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है उसका यूज करके दिखाता हूँ। और हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट टी, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट टी लिख देता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ। देखिए इतना डेटा हमारे पास है, ये देख सकते हैं, ये डेटा आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। अब इसी डेटा को हमको सीधा सीधा किस में फेच कराना है, पाइथन में फेच कराना है। उसके लिए कई सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको देखेंगे हम। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यूज भी कर रखा है, तो जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, ये इसको कमेंट किया है, और यहाँ पे देखिएगा इसको भी कमेंट करता हूँ, फेच ऑल को, फेच ऑल हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, फेच वन को। वन माने क्या होता है, एक, तो केवल एक ही डेटा फेच होगा। जरा देखिएगा पहला डेटा कौन सा है, एक डेटा कौन सा है, पहला वाला डेटा कौन सा है, जरा देखिए। इसमें डेटाबेस में हमने पहला जो डेटा इंसर्ट कराया है वो राम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये राम, एज 19 है और जेंडर क्या है, मेल है। तो यही डेटा हमने इंसर्ट कराया है और इसी को हम कराने वाले हैं फेच। कैसे कराएंगे, देखिए ये जो कोड है ना वो उसी को कराने के लिए है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको सबसे पहले तो माई एसक्यूएल के कनेक्टर को इंस्टॉल रखना होगा। जब आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे उसी वक्त कनेक्टर भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और यहाँ पर इम्पोर्ट करवाइएगा माई एसक्यूएल को, और उसमें डॉट कनेक्टर आपको लिखना होता है, और फिर यहाँ पर एज सी, एज डी कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैंने एज सी कर दिया है। और पॉन इज इक्वल टू सी डॉट कनेक्ट हमें करना है, और होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, यूजर हमारा रूट है, और हमारा जो पासवर्ड है वो मैंने जो डाला है अपने MySQL के डेटाबेस में वही हमें यहाँ पे देना है। तो जैसे मैंने ये डाला है तो आप जो भी हो दे दीजिएगा, ठीक है। और आपके डेटाबेस का क्या नाम है, जैसे हमारे केस में स्टूडेंट ही था, मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। और टेबल का नाम क्या था, अब देखिए यहाँ पे कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर किया है, और फिर यहाँ पे क्वेरी, क्वेरी हमें जो बनानी है, क्वेरी हमने जो बनाई है, तो हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो हमको सारा रिकॉर्ड इसी स्टूडेंट टी से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट एस्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारी रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ जाते हैं, इससे ये फायदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, हमें क्वेरी को एक्सिक्यूट कराना है, मतलब पाइथन पे फेच कराना है भाई, और यहाँ पर कितना रिकॉर्ड फेच होके आना चाहिए, तो यहाँ पे फेच वन लगाया है। तो अभी इसको चलाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे इसको चलाते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल पहला रिकॉर्ड जो मैंने बताया था राम वाला, वही रिकॉर्ड फेच होके आ रहा है। आप देख सकते हैं MySQL के डेटाबेस में भी सेम है, ठीक है। पहला रिकॉर्ड कौन सा है, राम वाला है, एज 19 है और जेंडर मेल है, देख सकते हैं ना। अब यहाँ पर इसको मिनिमाइज करता हूँ, अब इसको क्लोज करता हूँ, अब जरा इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। ये कमेंट कर दिया हमने, और कमेंट करने के बाद यहां पर फेच मेन ही करते हैं। अब इसमें तीन लिखा हुआ है, देखिए ना यहाँ पे पैरामीटर पास किया गया है थ्री, तो मैं पैरामीटर हटा देता हूं। हम क्या, हमको सिर्फ दो ही चाहिए, हम तीन क्यों लेके आए, हम जितना चाहेंगे उतना लेके आएंगे भाई, जितना रिकॉर्ड होगा उसमें से जितना चाहे उतना लेके आ सकते हैं, मन करे एक लाइन, मन करे दो लाइन, मन करे तीन लाइन, फेच मेनी का मतलब यही होता है। लेकिन सारा नहीं लेके आ सकते, मतलब सारा भी लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना होगा, ठीक है। तो यहां से इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कितने रिकॉर्ड आए हुए हैं, पहला राम का और दूसरा श्याम का। आइए देखते हैं अपने डेटाबेस में कि पहला कौन सा था, तो पहला राम है और दूसरा श्याम है, तो दो ही रिकॉर्ड्स आए हुए हैं और ये सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। अब इसको फिर वापिस से क्लोज करता हूँ, अगला फिर से क्या करूंगा, यहां से इसको चेंज करूंगा, यानी कि ये जो है ना अब इसको कॉमेंट कर दूंगा, ये कॉमेंट कर दिया, और कॉमेंट करके इसको चालू करता हूँ। यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू, अब डाटा में ही तो स्टोर हुआ है सब, तो डाटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। अब हमको सारा ही रिकॉर्ड देखना है, तो सारा ही रिकॉर्ड देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे रन पे और यहाँ से रन करवा देंगे, तो देखेंगे सारा रिकॉर्ड आ गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला राम है, दूसरा श्याम है, तीसरा राकेश है, चौथा ज्योति है, पांचवा रजनीश है, और छठवां अंबिका, यानी कुल मिला के छह रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। ध्यान से सुनिएगा कितने रिकॉर्ड्स हैं, छह रिकॉर्ड, और छह रिकॉर्ड आए हुए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, पता नहीं क्या गलत हो जाए शायद, तो यहाँ पे चेक करिए, पहला क्या है, पहला राम है, राम आ रहा है यहाँ पे, दूसरा श्याम है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला श्याम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीसरा राकेश है, राकेश भी दिखाई दे रहा है, चौथा ज्योति है, ज्योति भी दिखाई दे रहा है, पांचवा रजनीश है, और छठवां अंबिका है। सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, यानी सब कुछ सही है। अब हम रो काउंट को यूज करेंगे, रो काउंट यानी कि हम चाहते हैं कि रो को भी ये काउंट करके बताए। तो चलिए हम ये प्रिंट को अभी बंद करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और ये जो भी लगाया है उसको कमेंट कर देते हैं, और यहां से हम प्रिंट करवाते हैं रो काउंट, ठीक है। तो रो काउंट को प्रिंट करवाएंगे, यहां से इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बता रहा है कि कुल मिला के छह रोज हैं, और देखिए ना रिकॉर्ड छह हैं तो रोज छह ही ना आएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड तो आपके पास छह ही हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गिनिए, काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये छह रोज की बात हो रही है,
ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो भी इसमें कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन हर हाल में आ चुका है, ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।